ये भोजपुरी सिंगर पवन सिंह जी और यहाँ के औरंगाबाद के स्थानीय सांसद सुशील कुमार जी की साजिश है कि किसी भी तरीके से मैंने अहिर के कलाकारों को तोड़ो, उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से हनन करो जी। और क्योंकि देखिए पवन सिंह जी को ये चीज़ लगा कि संतोष रेणु मेरे पक्ष में बोलता था, तो भैया जहाँ पे आप सही रहते थे वहाँ पे आपके पक्ष में बोलते थे ना, जहाँ पे खेसारी लाल यादव जी गलत रहते थे वहाँ पे उनके खिलाफ बोलते थे ना, इसका मतलब थोड़े है खेसारी लाल भैया हमारे दुश्मन है। और रही बात तो इस बार रियल में आप लोगों के द्वारा जो भी, हम तो पहले तो बोलते थे कि हाँ राजपूत में कुछ ही लोग गलत हैं, लेकिन अब तो खैर हम पूरे राजपूत को गलत समझते हैं, क्योंकि आज इन सलाखों के पीछे मैं हूँ। मैंने किसी का हत्या किया है क्या? मैंने किसी का खून किया है? किसी के यहाँ चोरी किया है? क्या किया है मैंने? जो कलाकार नहीं है वो कलाकारों को लगातार गाली दे रहा है, कभी प्रमोद प्रेमी को, कभी खेसारी लाल यादव को, कभी टुनटुन यादव को, कभी तूफान लाल यादव, कभी संतोष यादव को। यहाँ तक कि आप जब बोलते हैं कि पूरे कौम की जब आप बात करते हैं, तो कल्लू जी ने तो यहाँ पे गाया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो फिर ये दोहरी राजनीति जो है, ये मैंने ऐसा करके प्लानिंग किया गया है कि यादव के कलाकार आज बुलंदी पे हैं, तो किस तरीके से ऐसा करके जब संतोष रेणु को ऐसा किया तो जाहिर सी बात है कि सही बात है, कोई जैसे उन लोगों का प्लानिंग हो कि और भी जो यादव के कलाकार हैं वो डिमोरलाइज हो जाए, डर जाए। सही बात, तो हम लोग डरने वालों में से नहीं है। और हमको आज बड़ा अच्छा लगा कि हमें उस जगह पे रखा गया है जहाँ पे हमारे कुल भगवान दादा श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो इन सलाखों के पीछे भी हम लोग दहाड़ते रहेंगे और हम लोग आवाज़ बनते रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने समाज के पूर्वजों के लिए, उनकी मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। और हाँ, सबका सम्मान करेंगे, सम्मान में किन्हीं की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बदले में हमें भी सम्मान चाहिए, उसके बदले में हमें भी वो प्रतिष्ठा चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर आप बेइज्जती करेंगे, मान सम्मान में ठेस पहुँचाएंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी पूरा यदुवंशी मेरे समाज हैं, आप सब धैर्य का पालन करें और बस जागे रहना है। देखिए इन लोगों की जो साजिश है वो कहाँ तक चलती है। और एक बात स्पष्ट, महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धरा का मैं वो स्वर्ण से आही, तदा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूँ, हाँ हाँ मैं यादव हूँ, हाँ हाँ मैं यादव हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय।